तो परिवर्तन रैली का जवाब देना था तो पटना में हुई स्वाभिमान रैली। लालू यादव ने आज पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। आपको दिखाते हैं रैली में लालू का गुस्सा, लालू की हंसी और लालू का प्रहार। महंगाई के जमाने में, सोनिया जी के समय में हम थे, उसमें सोनिया जी के मंत्रिमंडल में तब प्याज के दाम बढ़ गया था, प्याज के तब प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था। अब क्या हाल हो गया, मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दूं, 40 रुपया किलो कर दूं। भाई और बहनों, 80 रुपया कर दिया। कहा था गरीब अमीर के बात नहीं, ये रामदेव, ये रामदेव अन्ना हजारे और उनके पार्टी के लोग बोला था काला धन ना को दम कर दिया कांग्रेस पार्टी का। रामदेव को बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज अब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। ये लड़की का कपड़ा पहन के भागा ब्लाउज खरवा कर, ये सब बोला काला धन काला धन काला धन काला धन। और सब कांग्रेस के नेता का नाम लिख के बोला कि साढ़े छ, हमारा मेरा भी नाम लिखा कि साढ़े 26 लाख करोड़ विदेश के खाता में जमा है। आप अपना रिकॉर्ड में देखो, मोबाइल में देखो, भाई बैठा बैठा मोदी जी बताओ, हमको बैठा दो, एक महीना में हम ला के काला धन गरीब अमीर नहीं जज साहब को भी, वकीलों साहब को, वरिष्ठों साहब को, नेता लोग को भी 125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि हम 15.5 लाख रुपया जमा कर दें। तब माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी जंतर मंतर पर हम लोग जनता परिवार जब जुटने लगे तो कहा कि रुपया लियाओ, किसान वाला जो बात जो लड़ाई हुई रुपया लाओ जमा करो, इतना बहुमत हो गया सैन के। हमको भी फायदा होता, हमारा हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो, 1 करोड़ 6 लाख हो जाता, बैठ के चाहते रहते हम मोबाइल में निकाला। मामी बचवा से ठगा गया, मामी अच्छा जी 15.5 लाख रुपया। अरे भाई यार, शाह जी बोल दिया कि ये तो जुमला था जो नीतीश कुमार चारों तरफ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अंग्रेजी से बता रहे हैं, सब हम लोग पूछ रहे हैं, तेरा जुमला था, ये झूठ बोल के आए थे अमित शाह बिहार में। जब दाल गायब हो गया, प्याज गायब हो गया तो लोग बोला कि महंगा हो गया, अमित शाह बोलते हैं कि योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो, तो बिहार के लिफ्ट में ऐसा फंसे। अभी अमित शाह आए थे, इतना मोटा पेट कर दिया हुआ, आज घुसे लिफ्ट में आधा घंटा तक वही में अटके ही रह गए। करो योगासन, महंगाई रोके, चांदी हो गया सस्ता, सोना सस्ता, दाल
आज प्याज हो गया महंगा, क्या बोलते हो मोदी जी? आपने गंगा को धोखा दिया, राम को धोखा दिया। मोदी जी आप बताओ, हम पिछड़ा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते थे, बोलते हो कि जंगल राज जात पात क्या? आज जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो क्या बोले दिल्ली में? हम आरएसएस का गड़ी बिछाते थे, हम कुर्सी लगाते थे। अरे तो लालू का मूवमेंट का असर है कि भाजपा में पिछड़े वर्गों के जो लोग हो तुम्हारी पूजा तुम्हारी पूछ होने लगी। और जब हम लोग पिछड़े दलितों को ऐसे कान खोल कर सुनो भाई सब यात्रा पिछड़ा वर्ग के लोग हो तभी गुजरे लोग ये बोलता है कि चतुवंशी ये इसका भय कि जादुओं को फोड़ो जादुओं को फोड़ो ज्यादा फूटे वाला है हो। लालू को जादो भाई हमारा बकवास छोड़ने वाला है, अगर छोड़ना है तो बोल दो, नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठो। मैंने जादुओं के तो खूब समझता है, ज्यादा लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। कोई मुख्यमंत्री का नहीं है, मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार को माना हम लोगों ने। दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, खाली पैर वापस कराना है। जल्दी भी सेक्युलर पार्टी हम लोग बोल रहे हैं कि इकट्ठा होइए भाई, तमाशा कर रहे हैं। सुनो लालू का चाहने वाले लोगों, अमित शाह पर कहे नहीं क्या अपील किया? अमित शाह का मुकदमा डिसमिस हुआ तो तुम क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? लालू यादव एक मुकदमा जीता है, सीबीआई में भी हमको जानने वाले लोग हैं। लोगों ने कहा कि हम लोग पर दबाव पड़ रहा है कि लालू यादव का बेल कैंसिल करा के जेल भेज दिया जाए, यही हाल हो गई उसकी। हम भगवान से मनाते हैं कि तुम मेरा बेल कैंसिल करा के हमको जेल भेज दो। क्या करने का बोल ये गौरी दोगला चार जगन्नाथ मिश्रा को, जगन्नाथ मिश्रा का सेम केस अपील में नहीं गया। लालू को डरवा रहा है कि लालू जेल चल जाएगा तो हम मोदी जीत जाएंगे। अरे वो पहली वाला सुशील कुमार मोदी है, मेरा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। आज नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था स्टेपनिया। नीतीश कुमार ने स्टेपनी को खोल के फेंक दिया। तो हम लोग इकट्ठे होगा या कोई लड़ाई हो? लड़ाई हार चुका है देश का, सारा देशवासी जान गए कि लालू, लोग पहले बोलता था कि लालू नहीं मानेगा हमारे विषय में, और लालू ने फिर का प्रस्ताव को देश को बचाने के लिए फैसला लिया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा नीतीश कुमार। अब पूछा हमने तुम्हारा कौन है बताओ, बीजेपी बताओ, गुंगी सा लिया है। हमने कहा कि तुम्हारे वंश में कोई है नहीं का रे, तुम्हारे वंश में सब निर्वंशीय है क्या? चारों तरफ
काली देवी को बोलेंगे जब हम जाइए रहे हैं रैली में तो तुम रुको, बोली कि हम मानने वाले हैं, हमारा अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है, और जब हम लोग एक हो रहे हैं बताओ, हमारा पुरखा कृष्ण भगवान मैडम जी बोला, मोदी बोला कि जो जेल में जाते हैं बुरी बात सीख के आते हैं, तो अमित शाह क्या सीख के आया था? कृष्ण भगवान ने सीख के आया था पीड़ित मानवता का सेवा करना है, राक्षसी सेना का पद करना है, और जेल से जब कृष्ण भगवान आए कंस को मार के भी ध्वंस किया, और गखुला मथुरा राज किया, जय श्री रामन पुरखा। गंगा माँ को धोखा, बनारस में जाके पूछो उनकरों का हाल, बोला था कि जापान में कोई शहर है कोई टोयोटा की क्या हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट लागल लागल झोलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चाहिए, और अब कर कुछ आई चल रहा शहर के तरफ। मोदी जी आप बिहार है, बिहार गरीब हम जरूर हैं, बेवकूफ मत समझो, बिहार उड़ती चिड़िया के को हल्दी लगाता है, उड़ल चिड़िया का हल्दी लगा वाला बिहार, इसे जगह नौजवान तुमको अपमानित किया है नरेंद्र मोदी भाजपा ने।